बी ट्रेडर पर आप सभी का स्वागत है। बैंक निफ्टी के एक और धमाकेदार एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। बात करते हैं सबसे पहले आज मार्केट में क्या हुआ और उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कल मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए आज के दिन क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ओपन हुआ, लगभग गैप अप ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आने लगा और नीचे की तरफ इसने एक शानदार मूव दिया शुरू के फर्स्ट आवर में। शुरू के फर्स्ट आवर्स में इसमें जमकर पैसा बने और उसके बाद फिर सेकेंड आवर में बैंक निफ्टी ऊपर साइड की तरफ शानदार मूव दिया, तो ऊपर साइड की तरफ भी यानी कि सीधी साइड में भी जबरदस्त पैसा बना। उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा 2 बजे के बाद बना, लेकिन ये जो मोमेंट था 2 बजे के बाद बहुत कम लोग कैप्चर कर पाएंगे क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी एक ही बार बहुत तेज आया, तो इसमें ज़्यादातर तो लोग कन्फ्यूजन थे, बहुत लोग तो इसके पहले ही निकल गए थे। तो आज के दिन वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी कमाई हुई, मतलब जिन लोगों ने इस पे पेशेंस के साथ बना रहा होगा उनकी कमाई बैंक निफ्टी में दोनों तरीके से दोनों तरफ आज अच्छे से हुई होगी। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बैंक निफ्टी जो आज क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग तो यहाँ पर देख सकते हैं 40,834 के आसपास दिया है, यानी कि जो रेंज पर पिछले काफ़ी दिनों से मतलब बंद हो रहा है उसी रेंज के आसपास है। अब देखिए ये इस कंपनी के रेंज में अभी ये 15 मिनट के टाइम पर देखेंगे तो अभी रेंज में है। अब कल के दिन क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी को जरूरी है कि या तो इसके ऊपर ओपन हो या फिर इसके नीचे ओपन हो। यदि बीच में ओपन होता है तो हमें फिर डिसाइड करना होगा कि बीच में ओपन होने के बाद कुछ समय तक कि इसमें किस तरह का प्राइस सेक्शन बना रहा है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। लेकिन यदि 40,834 के ऊपर ओपन होता है तो सीधे जो हमारा पहला टारगेट रहेगा ये 41,000 का रहेगा, और 41,000 के बाद फिर आपको पता है 41,100 है, 41,000 उसके बाद ये वाला एरिया आ जाएगा जो 41,200 के आसपास का है। ऊपर की तरफ तमाम संभावनाएं हैं यदि इसके ऊपर ऊपर होता है 40,834 के ऊपर ओपन होता है तब। और नीचे की तरफ क्या हो सकता है, मान लीजिए बैंक निफ्टी 40,834 के नीचे ओपन होता है तब हम क्या करेंगे, तब 40,834 के नीचे ओपन होने के बाद फिर जो आज का दिन का इसका लो रहा जिसे यहाँ पर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो आज के दिन का जो यहाँ पर तक 40,700 के आसपास तक टारगेट के लिए आ सकते हैं। यदि बैंक निफ्टी इसके नीचे ओपन होता है तब पुट साइड में 40,700 के टारगेट के लिए आ सकते हैं, और उसके बाद जो अगला टारगेट होगा 40,500 के पुट का रहेगा। तो देखिए अभी फिलहाल एक दिन में बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाएगा, यहाँ तक आप मानकर चल सकते हैं। अब डेली के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। तो अभी तक आपको पता था कि बैंक निफ्टी में एक डब्ल्यू टाइप का बन रहा था और सबको उम्मीद लगा के बैठा था कि जैसे ही डब्ल्यू का ये वाला एरिया ब्रेक होगा ऊपर की तरफ एक शानदार मूव देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी में इतना जल्दी एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। और बैंक निफ्टी में आज देखेंगे तो आज फिर बैंक निफ्टी में एक डेली टाइम फ्रेम पर एक रेड कैंडल बनते हुए आपको दिखा है। अब रेड कैंडल चिंता की बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जब रेड कैंडल डेली टाइम फ्रेम पर बनता है तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट की नीचे आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। और वैसे भी देखेंगे तो इस लेवल पर आकर बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड में आपको ऐसा लग रहा होगा कि फंस गया, तो ये बात सही है क्योंकि यहाँ से जब आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी रोज़ एक नया ऊपर की तरफ हाई बनाते हुए जा रहा था, लेकिन इस लेवल के बाद बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड में फंस गया। अब जरूरी है कि बैंक निफ्टी या तो नीचे की तरफ इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आ जाए या ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए। जिस तरफ भी जाएगा मैंने आपको लेवल बता दिया, उस लेवल के लिए आप तैयार रहेगा। खैर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जाएगा जरूर। बैंक निफ्टी जिस दिन मूव नहीं करता है उस दिन भी तकरीबन आप 200 से लेकर देखेंगे इसमें 250 तक का मूव बैंक निफ्टी में इजीली देखने को मिलता है। तो इतने मूव में आप 100 पॉइंट भी मूव एक दिन कैप्चर करते हैं तो ये कोई कम बात नहीं है। बैंक निफ्टी कहीं भी जाए मूव आपको देता है, दोनों तरीके से मिला के देखेंगे तो 300-400 मूव डेली बैंक निफ्टी मिल जाता है। कोशिश कीजिए कि आप कितना मूव उसमें कैप्चर कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ बैंक निफ्टी की धमाकेदार एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। मन में कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में जरूर पूछेगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात यहाँ पर और आपको बताना चाहेंगे, यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और अपना ब्रोकरेज बचाना चाहते हैं तो आप भी मैं स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं जहाँ लगता है जीरो ब्रोकरेज, यानी कि 1 रुपये भी आप कमाएंगे तो 1 रुपये सौकड़ आपका होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।